वेलकम टू अवर चैनल फोकस फ्यूचर। आज हम आपको भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कर्क रेखा के विषय में बताएंगे। कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है और किन किन महाद्वीपों से गुजरती है उसके बारे में हम बताएंगे, और वो भी एक बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से जो आपको आसानी से याद हो जाएगी। और ये हर परीक्षा में पूछा जाता है, हर परीक्षा में इससे संबंधित जरूर एक प्रश्न आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कर्क रेखा कहाँ, कैसे, क्या होती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी को दो भागों में जो हमारी रेखा बांटती है उसको हम रेखा बोलते हैं। यानी 0 डिग्री अक्षांश, और इसके जो उत्तरी भाग में स्थित होती, इसे थोड़ी दूर उत्तरी भाग में जो है ये 23.5 अंश पे ये हमारी होती है कर्क रेखा। तो यही हमारी कर्क रेखा, और इसी के बारे में हम बताएंगे कि ये किन किन देशों से गुजरती है। चलिए अब शुरुआत करते हैं किन किन देशों से गुजरती है। ये बहुत ही एक अच्छी ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से हम अच्छे से याद कर लेंगे। बस आपको ये कुछ लाइनें याद करनी है, उसके बाद आपको सारे देश याद हो जाएंगे बहुत आराम से। तो ये कितने देशों से गुजरती है? 18 देशों से। और महाद्वीप, कितने महाद्वीप से गुजरती है? ये 3 महाद्वीप से, वो है हमारे एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो ये हमें ट्रिक याद करनी है। मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई, बताओ चाची बाग में मोर कैसे संभाली। बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इसे फिर से इसको बिल्कुल नोट करके रख लीजिएगा। मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने गई, बताओ चाची बाग में मोर कैसे संभाली। तो इसी ट्रिक के माध्यम से हम सारे देश याद कर लेंगे कि कौन कौन से देश हैं। तो शुरुआत करते हैं, पहले है मैं से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला देश बनता है मैक्सिको। मैक्सिको दूसरा है हमारा, पहला देश हमारा मैक्सिको, दूसरा हमारा खुद एक अल्जीरिया लिखा हुआ है, इसको हम छोड़ देंगे बाले को। फिर उसके बाद मामा, मामा से हम देखेंगे, माँ से एक देश आता है हमारा माली, जो अफ्रीका का एक देश है। और दूसरा देश है हमारा मारितानिया। उसके बाद के साथ को भी हम बिल्कुल छोड़ देंगे। इसके बाद है हमारा इनाम, इनाम यानी ई से बनेगा हमारा इजिप्ट, इजिप्ट बनेगा, यानी इजिप्ट को हम क्या बोलेंगे, मिस्र, मिस्र देश है जो, उसको इंग्लिश में हम इजिप्ट बोलते हैं। ना से नाइजीरिया, ना से नाइजीरिया, और माँ से म्यांमार। और उसके बाद हम इसको भी छोड़ देंगे लेने को भी। उसके बाद यूएई हमारा एक कंट्री है, संयुक्त अरब अमीरात गई, इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद आता है हमारा बताओ, बताओ में पहला कंट्री हो जाएगा हमारा बहामास, पहला कंट्री हो जाएगा हमारा बहामास, ता से ताइवान, और ओ से ओमान। हमारे इतने देश हो गए। उसके बाद चाची, चा से बन जाएगा हमारा चाड, चाड देश बन जाएगा। और ची से तो हमें याद ही होगा, एक ही देश बनेगा चीन। अब बाघ, अब आ गया बाघ, बाघ से पूरा एक पूरा देश बन जाएगा हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, बांग्लादेश। अब अगला शब्द है हमारा मोर, मोर से हमारा सीधा एक देश बनेगा मोरक्को, मोरक्को। उसके बाद कैसे को भी हम छोड़ देंगे, इससे कोई कंट्री नहीं लेंगे। फिर हमारा अगला वर्ड है संभाली, संभाली में हम लेंगे सा से बनेगा हमारा संभाली, हाँ, ली से बन जाएगा हमारा लीबिया। और इधर सा से बन जाएगा सऊदी अरब, सऊदी अरब। और हमारा
भा से बन जाएगा हमारा देश भारत। तो ये पूरे 18 देश हो गए जो इसमें याद हो गए होंगे आपको। बिल्कुल केवल एक ट्रिक याद करनी है, मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई, बताओ चाची बाग में मोर कैसे संभाली। तो हमारे देश बन गए, मैं से बना मैक्सिको, दूसरा बना अल्जीरिया, तीसरा बना माली, चौथा मारितानिया, उसके बाद इजिप्ट, नाइजीरिया, म्यांमार, यूएई और बताओ से बहामास, ताइवान, ओमान, चा से चाड, ची से चीन और बाघ से बांग्लादेश और मोर मोरक्को और संभाली सा से सऊदी अरब, भा से हमारा देश भारत और लीबिया। अब ये आपको, अब ये कौन कौन से महाद्वीप में हैं ये सारे देश, ये भी आपको कभी पूछ लिया जाता है कि एशिया के कौन से देशों से कर्क रेखा गुजरती है। तो एशिया हमारा सबसे पहले एशिया में भी 8 देशों से गुजरती है और अफ्रीका महाद्वीप से भी 8 देशों से गुजरती है। एक उत्तरी अमेरिका जो है उसमें केवल 2 देशों से गुजरती है, वो है मैक्सिको और बहामास। और एशिया में हमारे देश हैं यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, म्यांमार, भारत, ताइवान, ओमान, चीन, बांग्लादेश, सऊदी अरब। तो ये आप सब लोग नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, बस आपको ट्रिक याद रखनी है। और अफ्रीका, अफ्रीका में ये है अल्जीरिया, माली, मारितानिया, चाड, इजिप्ट, नाइजीरिया, लीबिया और मोरक्को। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी, अब आपको सारे देश याद भी हो गए होंगे। अब कोई भी क्वेश्चन ऐसी ही आती रहूँगी, आपको ऐसी ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाऊँगी, जो ऐसे ऐसे टॉपिक जो आपको याद करने बहुत ही मुश्किल होते हैं, तो ऐसे ही ट्रिक माध्यम से मैं आती रहूँगी। मेरे इस वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे हमारे आप इसके व्यूज़ देखते रहिए। इसको कैसा